पद्मश्री भाई निर्मल सिंह जी खालसा जी जी दे दुखद देहांत ते जिहड़े हालातां विच उन्हां दा देहांत होया कई चीज़ां नूं उजागर करदी है। सब तो पहला 888 करोड़ रुपए केंद्र दी सरकार ने पिछले कुछ हफ्तियां चे पंजाब सूबे नूं दित्ते ने कोरोना वायरस की लड़ाई लड़न वास्ते ते इंतजाम ते तैयारियां करन वास्ते। जिहड़ा ऑडियो वायरल होया है जिथे भाई साहब अपनी अखीरली गल अपने परिवार के नाल करते हुए दसते ने कि जिथे उन्होंने सरकार ने इलाज वास्ते कोरोना वायरस के इलाज वास्ते जिस हस्पताल च रखा है उस हस्पताल च ना ही उन्होंने कोई डॉक्टर देखने वास्ते आया तो ना ही उन्होंने कोई दवाई शुरू की गई है तो अपने परिवार को मिन्नता कर रहे ने हाथ बन के मिन्नता कर रहे ने मैनू इतों कढ़ लो नहीं तो मेरी आखिरी फतेह हैगी। अगले दिन उन्होंने देहांत होंदा है। एक होर ऑडियो वायरल होंदी है जिथे उन्होंने परिवार के बाकी परिवार जिन्होंने आइसोलेशन च रखा गया है उत्थे उन्होंने परिवार के मैंबर दसते ने कि किवें उन्होंने छोटे जे बच्चे नूं क्योंकि लग रहा उन्होंने बुखार चढ़ रहा है तो नर्स नूं जद कहिंदे कि इहदा बुखार चैक करो इहदी दवा दारू आपां शुरू करिए कि इहनूं जे वायरस ना हो जाए तो नर्स उन्होंने दसदी है कि उन्होंने कोल थर्मामीटर ही नहीं हैगा। अज करोना पेशेंट्स नूं ट्रीट करन वास्ते आइसोलेशन च पेशेंट्स नूं रखन वास्ते जिथे नर्सां दे कोल थर्मामीटर ही नहीं हैगा ग्लव्स ही नहीं हैगे कहिंदे इन्नी गंदगी उन्होंने भांजे दसते ने इन्नी गंदगी उत्थे हैगी कि हैंड सैनिटाइजर तक उन्होंने कमरे च नहीं है दवा दारू तक की होनी है। ये साडे पंजाब सरकार ने तैयारी की हैगी 885 करोड़ रुपए केंद्र के जेडे भेजे हुए ने आ तैयारी की उन्होंने हैगी जिथे लोगों या उन्होंने ट्रीट करने वाले बेचारे डॉक्टर नर्सा बचाना तो बचना की हैगा। मैनू लगता है ये पैसों का की मिसयूज हो रहा है ये हकीकत इस सरकार की हैगी। तो इत्थे दे मुख्यमंत्री साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जब प्रधानमंत्री साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते ने दो दिन पहले सारे सूबियां दे मुख्यमंत्रियों दे नाल कि थोड़ी तैयारी की है थानू लोड़ की है कैप्टन साहब नू उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बनन का समा ही नहीं सी। उत्थे जाके केंद्र की सरकार नू साडे गरीब जिहड़े भुखे मर रहे ने उन्हां दी तकलीफां दसन वास्ते जिहड़े किसान जिन्हां दी फसल पक्की पई है वाढी दी तैयारियां वास्ते साडी इंडस्ट्री जिहड़ी ठप पई है उन्हां दी मंग रखन वास्ते या करोना दे जिहड़े पेशेंट ने या जिहड़े मरीज ने हस्पतालां वास्ते कोई नर्सां डॉक्टरां वास्ते कोई पीपीई सूट कोई वेंटीलेटर कोई दवाई कोई थर्मामीटर मंगन वास्ते उन्हां नूं समा नहीं सीगा। कल साडे सूबे विच एक पद्मश्री हजूरी रागी जिन्होंने गुरमत का प्रचार करके सिख कौम का नाम रोशन किया सी उन्हां दी मौत हुई। मौत होने के बाद वेरका पिंड च अंतिम संस्कार से जिस तरह कांग्रेस के काउंसलर ते एक सरकारी टीचर ने शमशान घाट नूं ताला लगा के उन्हां दे शव दे नाल जिहड़ी बेअदबी की गई ना उहदे खिलाफ कांग्रेस ने प्रशासन ने कोई एक्शन लिता ता ना मुख्यमंत्री साहब ने अपना मुंह खोल के इस माड़ी हरकत का खंडन किया है। अज मैं मुख्यमंत्री साहब नूं पूछना चाहती हाँ कि लोगों की जान की कोई कीमत नहीं तुसी मुख्यमंत्री साहब रब ना करे किसी एहे जनू बीमारी लगे किसी दे परिवार का मैंबर जे कोई जानता है जे इस बीमारी का शिकार बनता है वो किस तरह का डर ते भय होंदा है जिहड़ा उन्हूं महसूस करो जिहड़े तुहाडे डॉक्टर ते नर्स इन्हां दे इलाज वास्ते उन्हां दे परिवारां ते की बीतदी हैगी जदे रोज़ काम च जांदे उन्हूं महसूस करो ते तैयारी करो। जिहड़े 885 करोड़ केंद्र ने भेजे ने उन्हां नूं तैयारी वास्ते खर्चो ताकि लोगों की जान असीं बचा सकीए ना कि अपने खुंडे च जिथे तुसीं वड़े पए हो पता नहीं उत्थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही जिहड़ी तुसीं काम वायरल कर रहे हो जिहड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने हस्पतालां ते जिहड़े पेशेंट ने जिहड़े नर्सां उत्थे दाखल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उन्हां नाल गल करो
ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਲਗਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।